अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का करम बिल्कुल ठीक ठाक। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा और समझ ही लिया होगा हम कहाँ आए हुए हैं। तो हम आए हुए हैं कराची के सबसे बड़े बुफेट पे, जो कि है लाल किला, और यहाँ पर हम इंटर हो रहे हैं। तो जनाब, हमने आना था यहाँ पर 8:30 के करीब और हम यहाँ पहुँचे हैं 9:30। तैयारियाँ हो रही थी भैया और हो गए लेट। आप शदीद रश इंटरेस्ट में हमें मिल गया, वेटिंग करनी पड़ेगी अब हमें यहाँ पर। और जब तक हम कर रहे हैं वेटिंग और आप लोग करें हमारी कुछ क्लिप्स यहाँ पर, इंजॉय। ओके और यहाँ पर इस टाइम पे हमें बुला लिया गया था अंदर और हमारा नाम अनाउंस हुआ और हमारी खुशी का आलम यहाँ पर आप देख सकते हैं। और हम जहाँ अंदर आके सीट पर बैठे भी ना थे कि आप सब वर्कर कहने लगे मैम आप आ जाए, मैम स्टार्ट कर दें, मैम स्टार्ट कर दें, टाइम इस वाले शॉर्ट। तो हम यहाँ पर आ गए हैं। ये स्टार्टर में सूप वगैरह थी, ये फिंगर फिश यहाँ पर हमें मिली, यहाँ पर रेडी हो रही थी गर्मा गर्म, हमने यहाँ से ली। और उसके बाद दिखाते हैं आपको क्या क्या है मेन्यू। तो जो कहते हैं यहाँ पे पालक पनीर, स्प्रिंग रोल एंड चिकन समोसास है। और उसके बाद यहाँ पर ये रखी जाएंगे फिंगर फिश, और ये हांडी रखी हुई है यहाँ पर, चिकन हांडी है। और इस साइड पर लज़ानिया था, चिकन चीज़ लज़ानिया। और इस यहाँ पर डिज़र्ट एंड अलग बना था उसके डिज़र्ट एंड सैलड्स का ना, यहाँ पर पिज़्ज़ा तैयार हो रहा है रेडी, हमें पिज़्ज़ा का वेट कर रही थी तो हमने यहाँ से लेना है पिज़्ज़ा। और उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर गुलाब जामुन रखे हुए थे, गर्म गर्म सर्व हो रहे थे यहाँ पर थे, जो चीज़ अंदर थी वहाँ पर फुल एसी में, जो जो डिज़र्ट्स वगैरह थे, आइसक्रीम वगैरह, कुल्फा वहाँ पर थी। तो यहाँ पर बारबेक्यू आइटम है, चिकन बन कबाब भी थे, और यहाँ पर बारबेक्यू है, यहाँ पर टिक्का, बिहारी बूटी, मलाई बूटी, धागा कबाब, तो इस तरह के सारे कबाब आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो वो कह रहे थे उसी वक्त की हाथियत बना रहे हैं, तो हम भी लेट हो गए थे, यहाँ पर कुछ ही चल रही थी। यहाँ पूरियाँ ली हमने गर्म गर्म, बहुत ही ज़बरदस्त, सब चीज़ों का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा हमें। पूरियाँ वगैरह ली हमने, और उसके बाद यहाँ पर हरी चटनी, लाल चटनी रखी हुई थी, लाल मिर्चों की चटनी। और यहाँ पर फिर एनी बारबेक्यू वगैरह तैयार हो रहे थे, तो आगे लेके चलते हैं आप लोगों को क्या क्या था। यहाँ पर बिरयानी, मसाला वाली बिरयानी, और हलीम पाए, और कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, तो जी यहाँ पर, और क्या था सी सूप, ये तो वही था हलीम, और उसके बाद फ्राइज, चिकन चीज़ फ्राई, और चाइनीज़ राइस, शाशलिक दाल, चने की, चने छोले का सालन, और यहाँ पर क्या था, ये भी था कुछ भाई, यहाँ पर आ गए चिकन चाउमीन आ गया। तो यहाँ पर काफ़ी सारे 90+ डिशेस होते हैं, तो चाइनीज़ राइस आ गए यहाँ पर फिर, और चिकन जल फेजू, और इस तरह के काफ़ी सारे यहाँ पर आइटम थे। प्राउन्स थे, ये हो रहे हैं यहाँ पर रेडी गर्म गर्म प्राउन्स। तो जी यहाँ पर आप सैंडविच थे, हाँ मुझे भी देख कर याद आया सैंडविचेस थे। और यहाँ पर आप पीछे हम बैठे हैं, आंखें हमारी फेटे देख सकते हैं क्योंकि लेट हो गए थे, तो कहते हैं आप जल्दी आ जाए मैम, जल्दी आ जाए, तो बस ये कि हम लोग जल्दी से आके बैठे हैं यहाँ पर। और भूख भी सबको लगी थी, बच्चों को भी, हमें भी। तो यहाँ पर हो गया हर दफ़ा की जरा हम लेट लतीफ़, और यहाँ पर इंजॉय करें अपना खाना। यहाँ पर हमारा खाना ख़त्म हो गया, हम जाने लगे हैं स्वीट की तरह डिज़र्ट लेने। यहाँ पर सैलड एंड डिज़र्ट का ये इन्होंने अलग सेशन बनाया था, क्योंकि यहाँ पर कूलिंग किया हुआ था उन्होंने एसी वगैरह के साथ ना, क्योंकि सब मेल्ट हो जाती है। यहाँ पर स्वीट में क्या क्या है देखते हैं। तो यहाँ पर थे कस्टर्ड, ब्राउनीस, शाही टुकड़े, पुडिंग, और खीर, और शुगर फ्री खीर भी थी यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर डोनेट्स थे, और यहाँ पर थी काफ़ी सारे जेली थी, जेली तो बच्चे पसंद करते हैं, रबी शीरी, और इस तरह के काफ़ी सारे आइटम यहाँ पर थे, कुल्फ़ा, आइसक्रीम वगैरह भी थी, जिसने कुल्फ़ा जो हमने यहाँ पर लिया है।
और आइसक्रीम थी काफ़ी फ्लेवर की यहाँ पर। तो जी यहाँ पर हमने बच्चों ने खूब इंजॉय किया इस वाले सेशन, इस वाले डिज़र्ट वाले एरिया में। और उसके बाद हम आगे लेके चलते हैं आपको, हमने क्या लिया यहाँ पर। आइसक्रीम ले रहे हैं बच्चे भी और साथ साथ बच्चे इंजॉय भी कर रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं और यहाँ पर क्या क्या हमने यहाँ पर खाया है और क्या क्या डिशेस थी। तो यहाँ पर हमारे कैमरा मैन इंजॉय कर रही हैं चोको बाइट्स। तो इस तरह की और भी सारे डिज़र्ट थे यहाँ पर, चोको बाइट्स, केक वगैरह, और जो मैं दिखा ना सकी हूँ तो आई एम सो सॉरी, क्योंकि यहाँ पर 90+ डिशेज थी, हमसे कवर करना तो बहुत मुश्किल था। जो मैं आपको दिखा सकी, आप देख सकते हैं वो सारे यहाँ पर सैलड वगैरह भी रखे हुए, वो मैंने पहले कवर नहीं किए थे। तो अब हम यहाँ जा रहे हैं आगे। खट्टी मीठी करते हैं। आपको फेस डाल सकती हूँ ना यूट्यूब पर, यूट्यूब पे चैनल पे। यही सकते हैं, गोलगप्पा एक्सपर्ट नहीं है। कितने साल से बना रहे हैं आप? कितने? 9-10। और आप? 14 साल है मेरे को, 14 साल है। तो जी गाइस यहाँ गोलगप्पे इंजॉय कर रहे हैं हम लोग, देख सकते हैं कि काफ़ी सारे फ्लेवर थे गोलगप्पे में और बहुत ही सब ही लाजवाब थे। तो देख सकते हैं अंकल से यहाँ बातें कर रहे थे, तो ये कहते हैं हमारे 10-12 साल का एक्सपीरियंस है और गोलगप्पा ही बना रहे हैं 10-12 साल से ये। तो अल्लाह ताला इनके रिस्क में इजाफा करें, इनको इनके काम में बरकत दे। और इसके साथ साथ यहाँ पर बातें साथ भी कर हो रही थी हमारी यहाँ पर, और गोलगप्पे भी इंजॉय हो रहे थे। तो इनके ही मुझे गोलगप्पा ये जो स्टॉल बड़ा अच्छा लगा, इनका बहुत ही अच्छा टेस्टी था, स्पाइसी भी था और काफ़ी सारे अलग डिफरेंट फ्लेवर भी थे इनके पास। तो आना ना भूलिए, फैमिली के साथ इंजॉय करें वीकेंड वगैरह का। आज का सबसे बेस्ट बुफे यही है और यहाँ पर बस हमारा व्लॉग का होता है एंड गोलगप्पे खाएंगे, उसके साथ साथ हम ये निकलेंगे बाहर। और यहाँ पर मैं सबसे ले रही थी रिव्यू, तो सब ने अच्छे रिव्यूज़ दिए, 80, 90 और 60, सबके अच्छे रिव्यूज़ थे तकरीबन, और सब ने इंजॉय किया, सबको टेस्ट और सब अच्छा लगा यहाँ का, और मुझे भी अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसे यहाँ पर होता है ब्लॉग का एंड। तो यहाँ पर हमने पान खाते हुए किया टाटा बाय बाय। तो फिर भी लोग ने ब्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़।